खरगोन जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति अभियान को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। प्रदेश में पहली कोटपा एक्ट में मैनगांव थाने में FIR दर्ज हुई है। तंबाकू का अवैध भंडारण करने वाले फर्म के मालिक और मैनेजर पर सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा में मैसर्स ब्रिजेस टोबेको रमन भाई मणि भाई पटेल आदर्श नगर खरगोन पर प्रकरण दर्ज हुआ है। कलेक्टर SP के निर्देश पर SDM ओम नारायण सिंह बड़कुल की अगुवाई में 6 विभागों की टीम ने 17 अक्टूबर को छापामार कार्यवाही की थी। SDM बड़कुल ने कार्यवाही के बाद नोटिस देकर फर्म के मालिक और मैनेजर से पंजीयन और क्रय विक्रय सहित कई जानकारी मांगी थी, लेकिन मालिक अश्विन पटेल पिता रमन भाई पटेल निवासी आनंद गुजरात का हाल मुकाम इंदिरा नगर खरगोन और मैनेजर सत्तार खान ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। प्रशासन ने विधि सलाह के बाद बड़ी कार्यवाही की है। नशा मुक्ति अभियान में खरगोन जिले ही नहीं प्रदेश की पहली कोटपा एक्ट सहित भादवी में प्रकरण दर्ज किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये कोटपा एक्ट और भादवी की धाराओं में कार्रवाई की गई है। श्रीमान SDM महोदय ओम प्रकाश जी बड़कुल के द्वारा विगत दिनों 17 अक्टूबर को ये ब्रजेश टोबोको रमन भाई टोबोको मेसर्स है, इनके यहाँ पर निरीक्षण किया गया था, जिसमें तंबाकू उत्पाद और तंबाकू जो है वहाँ पे पाई गई थी, जिस पर रेपर भी मतलब रेपर थे और उस पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी और वो नहीं थी संग्रह की हुई पाई गई थी। इसमें FIR की गई है। औषधि एवं अधिकारी हैं सर, खाद्य अधिकारी श्री योगेंद्र यादव की रिपोर्ट पे सर। जी, कितने का माल जब्त किया था प्रशासन ने? ये माल जब्त हुआ है करीब 59 किलो 325 kg है। ये 59,325 किलो और ये है 38,56,125 रुपये की अनुमानित तंबाकू है ये। अब क्या कार्रवाई होगी? इसमें प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और तथ्यात्मक जैसे भी साक्ष्य आएंगे वैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत पहली कार्रवाई है? हाँ, ये नशा मुक्ति अभियान के तहत पहली कार्रवाई हुई है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवाहा, थाना मैनगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।